हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सुबह की चाय हो गई है, अब लग जाते हैं काम पर। मैंने कुछ आपको कल बता दिया था कुछ, अब ये दूसरे रूम की सफाई कर रहे हैं हम। हमने कल दूसरे रूम की सफाई कर दी थी, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि बस लकड़ रह गई है, उनकी सेटिंग करेंगे, उस कमरे का भराव करवाएंगे। और अब मैं दूसरे कमरे में लग गए हैं, मैं और इंदु दोनों ही कर रहे थे, क्योंकि हमारा टारगेट 10 दिन का आया था, जैसे कि वक्त ही पहले आपको मैं बता चुकी हूँ उसी तरीके से ही। तो यहाँ पे मैं और इंदु सफाई कर रहे हैं और हमारी सफाई हो जाएगी अभी कम। सच बताऊँ तो हमारा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा टाइम पे हमने शुरू किया और कौन से टाइम पे हमने ख़त्म कर दी। ये कमरे बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, हमने सोचा कुछ और था पर हमें मजबूरी में करना कुछ और पड़ रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी धूल मिट्टी झड़ रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ से अब ना करके सफाई, मतलब मोटी मोटी सफाई कर देंगे, बाकी हम जो सोच रहे थे करने की वो हम नहीं करेंगे। अब ये थोड़ा सा बोझ का सामान था तो इसमें मुझे इंदु की हेल्प लेनी पड़ गई। बाकी ये जाले वगैरह साफ कर रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी और हम ऐसे ही धीरे धीरे सब काम करते कर करके ख़त्म कर देंगे। मैंने सामने ही फ़ोन रख रखा था, अभी देखना है क्या कलाकारी करती है। सो गाइस प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये देखो कर दी, ये मेरा फ़ोन हिला दिया था इसने और यहाँ ये मेरा फ़ोन गिर देती और गिरने के बाद ये टूट जाता, इसलिए मैं इसको ऐसे देख रही थी। मैंने व्लॉग बंद कर दिया, फिर मैंने कहा मैं थोड़ी देर में करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई और जगह थी नहीं इस रूम में ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। बाकी आप लोगों को सब कुछ कंटिन्यू दिखाऊंगी। ये देखिए इस दीवार के पास ना अभी इंदु दोबारा झाड़ू लगाएगी, मतलब जाला साफ़ करेगी, तो अब देखना कितनी मिट्टी झड़ रही है। इसी वजह से हम नहीं करना चाह रहे कुछ भी, क्योंकि एक तो ये वैसे ही है, देखो कैसे झड़ झड़ के गिर रहा है ना सब कुछ, और वो पीछे की साइड में आप कोने में देख रहे हो वहाँ पे कैसे तरेड़ आई हुई है। तो हम इस घर को, मतलब इस वाले एरिया को नहीं हाथ लगाना चाहते ज़्यादा गहराई से, नहीं हम कुछ भी कर सकते थे इसमें, इसलिए हमने सोचा मोटी मोटी सफाई करके संगवा देते हैं, मतलब सही से सेट कर देते हैं पिछला हिस्सा। ये सब देखो कैसे खिला हुआ है। सो गाइस, मैं कुछ चीज़ें आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, तो अगर कोई चीज़ रिपीट हो जाए तो उस चीज़ को इग्नोर करना। बाकी मेरे वीडियो को, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर करो, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो की, ब्लॉग की, हर चीज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इन्जॉय कर सकें। मैं जितने भी ब्लॉग डालती हूँ ना, ज़्यादातर इसमें 20 से 25 व्यूज़ आते हैं, पता नहीं क्या कसम खा रखी है, 20 से 25 तो फालतू ही नहीं होते हैं, और व्यूज़ जितने होते हैं इतने लाइक भी नहीं होते। सो गाइस, यहाँ पे आधी से ज़्यादा सफाई हो गई है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम भराव करवाएंगे, हमने इस तरीके से भराव करवाया है, क्योंकि यहाँ पे ना पीछे की साइड में आप देख रहे हो गीला गीला सूरज, वहाँ से ना पानी आता है और बीच में दीवार देख रहे हो। यहाँ पे हमारा पिछला गेट था और वो गेट ना तोड़ दिया, किसने तोड़ दिया वो मैं आपको किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी। बाकी हमारे घर वालों की कारस्तानी है जो भी है। तो ये पिछले वाला हिस्सा है ना हमारा, मतलब ये जो पीछे दीवार खड़ी कर रखी है, टम्परेली दीवार खड़ी कर दी थी फिर हमने उस टाइम पे, क्योंकि गेट तोड़ दिए थे हमारे और हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने चलता काम कर दिया था। इसी वजह से ना यहाँ सारे में पानी भर जाता है पीछे से पानी आके, तो हमने सोचा इसे भराव करवा देते हैं और इस पर सिल्ली बिछवा के फिर उसके बाद सेटिंग कर देंगे इसकी। यहाँ से ये भी घटा हुआ है, मतलब ये भी नीचे की ओर जा रखा है, तो हमने सोचा यहाँ से भी थोड़ा सा वैसे ही भर देते हैं, तो हम खुद ही कर देते हैं। बाकी हमने कमरे की सेटिंग कर दी थी, ये सब फट्टे वट्टे हमें अभी चाहिए ऊपर के कमरे के लिए। हम सोच रहे हैं ऊपर का कमरा तैयार करवा देते हैं यहाँ का ना छेड़ के। यहाँ का क्यों नहीं छेड़ेंगे उसके दो रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर, लेकिन जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर कुछ लोगों को कहानी का पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं तभी बताऊँगी जब मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, और वो सब आप लोगों के हाथ में है कि आपको कब बढ़ानी है, कितने बढ़ाने हैं। मैं तो सिर्फ कह ही सकती हूँ, बाकी तो सब काम आपका है ना, आप ही सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो।
सो गाइस यहाँ पे हमने फट्टे वट्टे अलग कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे जो ईंटों का ढेर लग रहा है, गंदगी फैली पड़ी है दुनिया भर की। यहाँ हमने लकड़ रख रखे थे, यहाँ से लकड़ उठा के हमने अंदर रख दिए, जहाँ भरा बताया था आप लोगों को। और ये सीढ़ियाँ ऊपर जाएंगी, कमरा बनेगा इसलिए। बाकी ये जा रहा है मेरा बड़े वाला भाई, ये जो लकड़ है लकड़ वाले के घर जाएंगे। और इधर जो लकड़ियाँ पड़ी थी ना, कुछ लकड़ियाँ हमने वैसे दे दिया जो इसके घर में यूज़ आ सके, क्योंकि आजकल कोई चूल्हा उल्ला तो जलाता नहीं। बाकी जो जलाते हैं उनके काम आ जाएंगे। बाकी ये जो गेट वेट है आलतू फालतू के, सब हम दे देंगे लकड़ वाले को। ये जो आप कट्टे देख रहे हो, ये जाएंगे कूड़े में, क्योंकि ये सारा सामान हमारा वेस्ट हो गया। हमारा जब ये नया मकान बना था ना, जो भी साइड में दिख रहा था आप लोगों को, ये मकान बन रहा था तब ये वेस्ट हो गया सारा का सारा, तो ये जाएगा बेकार। बाइक जो है, ये बाइक है मेरे पापा की, पर मेरे पापा नहीं है, तो बाइक को हम साफ़ सुथरी करके ऐसे दोबारा चालू कर देंगे। ये लकड़, ये दरवाज़ा पूरा का पूरा जाना नहीं था, ख़राब होया पड़ा था, इसीलिए इसे तोड़ ताड़ के अंदर सेट करेंगे। बाकी आप लोग ये देख लो, ये सारी ईंटें की, ये सारी मुझे रिंदु को संगवानी है, मतलब उठा कर रखनी है। अगर किसी को मेरे कोई वर्ड समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ ले, अगर वो मैं बता दूँगी। और मेरा, और मैंने मौज पे भी आईडी बना रखी है, शालू 95400, जाके उस पर भी फॉलो कर दीजिए। मैंने इंस्टा पे बना रखी है शालिनी TYA11, उस पर भी जाके फॉलो कर लीजिए मुझे, वहाँ पे मेरे वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को। और कुछ जानना हो तो आप वहाँ पे भी DM कर सकते हो। बाकी वो जो पीछे कोने में लकड़ वकड़ देख रहे हो, ये सब हमने लीवर से ना उसी कमरे में सेट करवा देंगे जिसमें भराव करवाया था, क्योंकि पीछे का एरिया हम बिल्कुल कवर कर देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, भाई की शादी है, इसलिए हम ये सारी तैयारी कर रही हैं, सारी सफाई कर रही हैं। यहाँ पे हम ना बिल्कुल खाली छोड़ देंगे ताकि कल को हलवाई वगैरह बैठ सके। हम यहाँ से चारों तरफ से बराबर सा करके, साफ़ सुथरा सा करके, बढ़िया सा टेंट वेंट अच्छे से सेट करके, पूरी दीवार कवर करके, अच्छे से सारा कुछ कवर करके, और फिर यहाँ कर देंगे कढ़ाई वालों का इंतज़ाम, क्योंकि मंडे वंडा होता है ना तो कढ़ाई वगैरह चढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए मीठा मीठा बन जाएगा। और पीछे का जो कमरा हमने खाली करा है ना, उसके मतलब एक कमरे में तो खराब हो रहा है, देखिए वो सामने जहाँ ये जा रहे हैं ना लेवल, वहाँ पे ये सारा लकड़ वकड़ का सामान है। जिस कमरे में मैंने आपको पहले दिखाया था ना, इंदौर में सफाई कर रहे थे, उस कमरे में हमने छोटा मोटा वैसा ही सामान रखा है, जिसमें पंखा और कूलर दोनों चीज़ दिखाए थे, वो चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी उससे बीच में ये मेरे भाई का फ्रेंड है। बाकी जो मेरे जो बीच वाला कमरा दिखाया था, उसमें मेरा भाई करता है काम, अपना घर से ही काम कर रहा है, क्योंकि जॉब पे 2 साल से जा नहीं रहा था कोरोना की वजह से, तो अब भी वो थोड़ा घर में ज़्यादा काम होता है ना, तो अकेला ही है, और अकेले को बहुत सारा काम होता है, समझ सकते हो, जिसके साथ कोई नहीं होता वो बंदा अकेला ही रह जाता है। तो हमारे पापा नहीं है, मेरे चाचा होने ना होने बराबर हैं, इसलिए मेरे भाई को ही सब कुछ देखना पड़ता है। बाकी दोनों के दोनों खड़े हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और जजी दोनों इसके सपोर्ट में पूरा पूरा खड़े हैं, तो इसीलिए थोड़ा टेंशन फ्री है। बाकी मेरे चाचा किसी भी लायक नहीं है, मेरे 2 चाचा जी हैं, उनमें से कोई सा सपोर्ट में नहीं है शुरू से ही। बाकी हमने जो कबाड़ इकट्ठा हुआ था, हमने लगा दी थी आग, क्योंकि कबाड़ हम कहाँ तक भरते, मतलब जामुन के पत्ते थे तो वे सारे सूख सूख के ना उड़ रहे थे बार बार इधर उधर, तो हमने सोचा इन्हें आग लगा देते हैं, क्योंकि कूड़ा कहाँ तक भरेंगे इसलिए। सो हमारे यहाँ से आधी से ज़्यादा सफाई हो चुकी है, हमारी कंडीशन ख़राब हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कूड़ा ना भरने के बजाय हम इसे जला देते हैं। बाकी गाइस, हम लोगों को ब्लॉग कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ नायरा के लग गई है चोट, और नायरा अपना पैर लेके ऐसे बैठ गई जिसे पता नहीं क्या हो गया। ओ माय गॉड, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छी लाइन बन गई। बाकी गाइस, ये सच में चोट लग गई थी इसके, और इसने घर अंदर ठा दिया था, क्योंकि इसके बहुत चोट लग गई थी, ऐसा इसका कहना है। बाकी ये 2 मिनट में चल पड़ी थी, जैसे कि आप जानते हो कि बच्चे तो छोटी सी चोट लगते के साथ ही भूल जाते हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, हम सारा दिन लगे लगे थक गए थे। सो ये मेरे घर का, नए घर का छोटा सा एरिया है। होम टूर चाहिए तो आप मुझे क्या मैंने मैं कमेंट बॉक्स कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को पूरा होम टूर बना के दिखा सकती हूँ मायके का। ससुराल का चाहिए तो ससुराल का भी दे दूँगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो। ये देख लो नाया की चाल बिगड़ गई। सो यहाँ पे हम इसे पूछ रहे थे क्या खाएगी, तो इसने बोला कि ये कुछ बाहर का खाएगी, हाँ बाहर का खाएगी, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि कुछ बाहर का मंगाया जाए, तो भाई ने ही मंगा दिया था खाने के लिए,
क्योंकि हम लोग काम कर करके थक गए थे। हमें रात को ज़्यादातर भाई या तो बना के खुद देता था, नहीं तो वो खुद मंगाता था, तो हम ऐसे ही इंजॉयमेंट करते करते काम कर रहे थे। बाकी गाइस मिलते हैं एक अलग व्लॉग में, न्यू व्लॉग में। यहाँ पे हमने बर्गर, चाउमीन और मोमोज मंगाए थे। सो फाइव स्टार वाले नहीं हैं, नॉर्मल रेडी वाले हैं, और बहुत टेस्टी थे, सच में बहुत ही टेस्टी थे। एंड ये चाउमीन है, अब हम खा लेते हैं और इंजॉय कर लेते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई व्लॉग। लव यू ऑल। बाय। गुड नाइट।